नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला के घर में घुसकर बंधक बनाकर की लूटपाट। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां 59 वर्षीय बुजुर्ग की अज्ञात कारणों से हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी कर्नाटक की, जहां कचरा करकट साफ न करने के कारण ग्राम पंचायत के सामने ही कचरा डालकर लोगों ने जताया आक्रोश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने ब्रेड का कारोबार करने वाली महिला के घर पर धावा बोल दिया। महिला को उसके घर में ही बंधक बनाकर लूटपाट की। विरोध करने पर महिला के चेहरे पर ईंट मारकर घायल कर दिया। महिला का मोबाइल, सोने की चेन, कुंडल और 10,000 रुपये लूट कर बदमाश फरार हो गए। इस विषय में अनीता चौहान, सीओ तृतीय बरेली का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। आज दोपहर थाना इज्जत नगर में वीर सावरकर नगर में सैनिक कॉलोनी में एक महिला के साथ लूट की वारदात हुई है, जो कि दोपहर के आसपास हुई है। दो अज्ञात लोगों के द्वारा उसके यहाँ जाकर धमका कर कुछ रुपए और जेवरात ले लिए गए। इस संबंध में थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिन कार्रवाई की जाए। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां मृतक अलक्षेंद्र पुत्र शंभू दयाल उम्र लगभग 59 वर्षीय निवासी गुंदेला मुस्करा हमीरपुर की अज्ञात कारण से मौत हो गई। 22 वर्ष से मौदहा में किराए के मकान में रहकर करता था शिक्षण कार्य। कमरे में अध्यापक का सड़ा गला व शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव मिलने की खबर से लोगों का जमावड़ा लग गया है। मृतक के दो बेटे हैं, जिसमें मृत्यु की सूचना पर छोटे बेटे सत्येंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक से है, जहां रायबाग तहसील के निडगुंदी गांव में एक अजीब घटना सामने आई है। ग्राम पंचायत कर्मचारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी गंदगी साफ न करने के कारण ग्रामीण लोगों ने गंदा कचरा ग्राम पंचायत के सामने डालकर ग्राम पंचायत कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। निडगुंदी गांव के वार्ड नंबर 2 के निवासी प्रकाश कांबले ने आरोप ग्राम पंचायत अधिकारियों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी अनसुना कर रहे हैं, इसलिए कचरा ग्राम पंचायत के सामने डालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिल्पी तोता नमन शिल्पी तक सदर्भदाड़ टी वी बे अलग टी वी बेनोदान नमेन केस वाद्य मेल अल्ली लौड स्पीकर भाला जोर चालू जन जोली जनर बीडदी ननगेन केस बंद अद केस बरती अल्ली नानवे ಒಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಅದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ. ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನಾನು ಸೈಕಿಕ್ ಅದನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. ನನ್ನ 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಂದಾದರೂ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರೋಪ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿ ಸಂವಾದದಾತ ರಂಜಾನ್ ಮುಜಾವರ್ ಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है, जहां कलेक्टर के आदेशों की खुलेआम हो रही अवहेलना। आपको बता दें कि एक माह पूर्व ही जिला कलेक्टर शहडोल तरुण भटनागर ने आदेश जारी करते हुए जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध आदेश जारी किया था, जिस पर कुछ अर्थदंड भी निर्धारित किए गए थे, परंतु प्राइवेट बोर मालिकों के द्वारा कलेक्टर के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भले ही जिला कलेक्टर ने जिले के सभी ग्रामीण अंचलों में बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया हो, परंतु प्रतिबंध लगाने के बाद भी प्राइवेट बोर मालिक चंद पैसों के लालच में आकर अपनी मशीनों को रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ग्रामीण अंचलों में बोर खनन के लिए भेज देते हैं, जबकि गर्मी का सीजन लगते ही जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, जिससे ग्रामीण अंचलों एवं शहरी अंचलों में भी जल की काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बावजूद उसके रात के अंधेरे में बोर हो जाता है। वहीं जब संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो उनके द्वारा कॉल रिसीव ना करते हुए कोई जवाब नहीं दिया जाता, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिन जगहों पर बोर मशीन लगाई जाती है, संबंधित थाना क्षेत्र से बिना संपर्क और सांठ गांठ के उनके क्षेत्र में बोर कर पाना ये संभव नहीं। तो क्या संबंधित अधिकारी स्वयं ही कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं?
आपको बता दें कि बीती रात्रि जिले के थाना जैतपुर अंतर्गत ग्राम पैरी बहरा में रात 10 बजे के करीब सूत्रों से मिली जानकारी पर कि बोर मशीन लगाई गई है, बावजूद अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं मिला है। शहडोल से सीनियर संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खनिज जांच के नाम पर प्रशासन की आंखों में झोंकी जा रही धूल, रेत कंपनी की मनमानी, प्रशासन सुस्त, कहीं की रॉयल्टी कहीं की रेत। भैरुंदा के अंतर्गत आने वाले नर्मदा घाटों से रोज सैकड़ों की संख्या में डंफरों में ओवरलोड रेत भरकर परिवहन किया जा रहा है। जानकारी अनुसार भैरुंदा के अंतर्गत आने वाले नर्मदा घाटों जैसे जाजना, डिमावर, बाबरी, आंबा, बड़ागांव हो रहा अवैध रेत खनन। बता दें कि आज खनिज अधिकारी के द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही पहुंच अमला डंफर पोकलैन सहित कई गाड़ियों को जब्त किया गया है और सी न्यूज भारत की खबर का असर भी हुआ है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता प्रेम राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।